तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भी किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि उनका मोटा अनाज यानी कि बाजरा का समर्थन मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा, जिसके चलते इन लोगों ने मुख्यमंत्री के घर के घेराव का ऐलान कर दिया। हालांकि पुलिस ने इन्हें रोका है और शहीद स्मारक पर इन्हें धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त दी है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये किसान प्रतिनिधि हैं और इनसे बातचीत भी कराऊंगा। इनकी सबसे बड़ी ये मांग है, किसान महापंचायत की ओर से ये प्रदर्शन हो रहा है और इन्होंने लिखा है कि बाजरा, मक्का व मोटे अनाजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदो। यही चाहते हैं कि सरकार ने कहा है कि MSP पे खरीदोगी तो आप खरीद क्यों नहीं करते? रामपाल जाट जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे एक बार बातचीत करता हूँ। किसान लोग कब तक आंदोलन करेंगे? दिल्ली में तो तीन कृषि कानूनों को लेकर है, राजस्थान में भी एक नया आंदोलन, कोई खास वजह इसकी? वजह चाहे दिल्ली का आंदोलन हो चाहे यहाँ का आंदोलन हो, खास बात ये है कि चाहे सरकार दिल्ली में हो चाहे राजस्थान में हो, संवेदनशीलता घट गई, इसलिए इनकी संवेदना जगाने के लिए ये आंदोलन करने पड़े हैं कमाई छोड़कर। तो किसान कमाई छोड़कर लड़ाई करे ये अच्छी स्थिति नहीं है। बाजरे की खरीद के लिए किसानों को लड़ना पड़े तो देखिए, आप बात बोल रहे हैं कि किसानों को खरीदना पड़ेगा, लेकिन केंद्र सरकार ये कह रही है हम MSP पर अगर खरीद लेंगे तो उसको बेचेंगे कहाँ, क्योंकि राजस्थान सरकार उसको खरीद नहीं रही है, राशन की दुकानों पर बेच नहीं सकती, दूसरे राज्य वाले खरीदते नहीं क्योंकि वहाँ बाजरा खाते नहीं है। 1965 से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होना शुरू हुआ जिसमें बाजरा सबसे पहले था, उस समय तो कोई PDS थी ही नहीं, फिर भी इन्होंने प्रावधान रखा ना, तो ये तो जब इन्होंने प्रावधान रखा उसके पहले विचार करना चाहिए था कि बाजरे को कोई खाएगा कि नहीं खाएगा। और आज भी राजस्थान में जितना बाजरा पैदा होता है एक भी कण कहीं फेंका नहीं जाता समुद्र में, सारा उपभोग में आता है। इसका अर्थ है जितना उपभोग में आएगा उतना बाजरा पैदा हो रहा है, तो केवल ट्रेंड की बात है कि सरकार पैदा करने वाले को उसके दाम अच्छे कैसे दे इसकी आवश्यकता है, बहानेबाजी है कुल मिलाकर। निश्चित रूप से ये जो PDS की बात है ये बहानेबाजी है, इसलिए 1964 में खाद्यान्न के लिए जो कानून बना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये 2011 में बना, इसके पहले 1964 में बना FCI अधिनियम, उसमें बाजरा और गेहूं और धान ये सेम फुटिंग पर है। तो आप धान और गेहूं की खरीद तो कर रहे हो, बाजरे की नहीं कर रहे, जबकि बाजरा पौष्टिक ज़्यादा है, अब तो ये सिद्ध हो गया। और सरकारें, भारत सरकार 2020 में मना रही थी मोटा अनाज वर्ष, अब 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मना रहे हैं और वर्ष भी मना रहे हो और उसके साथ अन्याय भी कर रहे हो। तो हम तो ये कह रहे हैं जो तुम्हारी घोषणा है उसके अनुसार इसको पूरा करो, और कोई भी चीज़ भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती। जब पहले से MSP था तो आपने क्यों उसको घोषित किया? अभी भी सरकार है, MSP भी ये शर्त तो नहीं है कि PDS में बटेगा तो ही MSP लागू होगी, तो आप तो उसको अनकंडीशनल MSP घोषित कर रहे हो। फिर कहाँ से बात आ गई आपकी कि आप अब ये कहोगे कि PDS अब खरीद नहीं होती? एक चीज बताइए, धरने पे तो आप बैठ गए, मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी करेंगे या शांति से उनको समझाने की कोशिश करोगे? नहीं, यदि वो समझते हैं तो हमको ये, हम कहीं जिद थोड़ा ही कर रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक निवेदन लेकर आए हैं। पीड़ित व्यक्ति कभी जिद कर सकता है क्या? पीड़ितों की मांग है ये हमारी, तो हम तो पीड़ित हैं, चाहते हैं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार इनकी बात सुने, और यही कारण है किसानों के। ये देखिए, यहाँ पर किसान और भी हैं, झंडे धरने लेके यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और इन सभी का यही ऐलान है कि ये मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। हालांकि पुलिस ने कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त लेकर रखा है, इन सभी को रोक दिया, इसके आगे ये लोग नहीं बढ़ पाएंगे, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको इनका नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह ये किसान लोग हैं लगातार अपने आंदोलन को और ज़्यादा तेज करते हुए चाहते हैं कि कम से कम बाजरे का इन्हें समर्थन मूल्य, जो MSP प्राइस जिसकी ये बात करते हैं, वह उन्हें मिल जाए। तो कुल मिलाकर किसान यहाँ पर अब जुटने लगे हैं, यही देखना होगा कि क्या सरकार के कानों तक इनकी बात पहुंचती है या नहीं, और ये
नंगाड़ा ये अपने तूती भी लेकर आए हुए हैं ताकि सरकार तक इनकी मांग पहुंच जाए, स्पष्ट सुनाई दे। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।